guys, welcome to our YouTube channel. So this is our first vlog and we are very excited and nervous too, but we need your support to grow our channel. And today we are going to tell you about our first vlog and how we planned our trip and how we went there and why did we plan this trip. So you are going to check all this in our video. A lot of people must be thinking why we chose this place, because we both believe in Lord Shiva a lot. And yes, because of that, we have chosen Somnath. So Somnath is a very first Jyotirlinga out of 12 Jyotirlingas. हमने ये destination इसलिए choose किया क्योंकि शादी से पहले already हम लोग decide कर चुके थे कि हम लोग अगर जाएंगे तो we will explore the first Jyotirlinga out of 12 and then one by one we'll go to another Jyotirlingas. So yes, please do enjoy our video and don't forget to like, share and subscribe. हर हर महादेव सब्सक्राइबर्स, तो हमने यात्रा यहाँ से शुरू की सोमनाथ के लिए और पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट. हमने यहाँ से फ्लाइट्स बुक की हैं दिल्ली से सोमनाथ की, बट आप लोग यहाँ से रोड या बाय ट्रेन भी ज़रूर जा सकते हैं. तो फ्लाइट्स का राउंड ट्रिप हमें पड़ा करीब 5,500 के पर पर्सन और नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका रहेगा राजकोट. बट अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो नियरेस्ट स्टेशन भी राजकोट ही है, बट ट्रेन से आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, विच विल बी समवेयर अराउंड 3,000 के आसपास राउंड ट्रिप. डिपेंड करता है कि आप स्लीपर क्लास में जाते हैं या एसी में जाते हैं, तो दोनों का फेयर अलग रहेगा. तो चलिए मिलते हैं आपसे फ्लाइट लैंड होने के बाद. एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से सोमनाथ जाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप बाय टैक्सी जा सकते हैं या फिर आप बाय लोकल बस जा सकते हैं. हमने प्राइवेट टैक्सी बुक करी थी जिसका कॉस्ट हमें पड़ा था अराउंड 12,000, जिसमें इंक्लूडेड था राजकोट एयरपोर्ट से सोमनाथ, सोमनाथ से द्वारकाधीश एंड द्वारकाधीश से वापस एयरपोर्ट, प्लस लोकल साइट सीइंग भी इंक्लूडेड थे. तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं जिस होटल में हमने स्टे किया था, जिसका नाम है दी फर्न रेजिडेंसी सोमनाथ. तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम तैयार होकर निकल जाते हैं सोमनाथ मंदिर के लिए. तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं एक प्राचीन मंदिर जिसका नाम है भलका तीर्थ. कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ विश्राम कर रहे थे, तो विश्राम करते समय एक चरा नामक शिकारी ने शिकार करते हुए भगवान के पैरों पर तीर मार दिया था. तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धरती से प्रस्थान किया था और कहा जाता है तभी से कलयुग की शुरुआत हुई थी. बाकी की डिस्क्रिप्शन आप इस बोर्ड में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके. तो चलिए अब आपको इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं. तो कुछ देर कीर्तन का आनंद लेने के बाद भलका तीर्थ से हमने प्रस्थान किया और चल दिए हम सोमनाथ की तरफ. तो ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये शहीद योद्धा हमीर जी बोही की प्रतिमा है, जिन्होंने सोमनाथ को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था. आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं सोमनाथ का समुद्र, जहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले 5 या 10 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी.
और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कैमल राइड कर सकते हैं आप, साइकिलिंग कर सकते हैं, और अगर आपको ये सब नहीं करना है तो सिर्फ आप समुद्र के नज़ारे ले सकते हैं जो कि बहुत सुंदर है। तो समुद्र के नज़ारे लेने के बाद हम लोग चले गए सोमनाथ मंदिर। तो सबसे पहले सोमनाथ मंदिर जाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर नहीं ले जा सकते, आपको वो बाहर जमा करानी पड़ेगी। बहुत सारे काउंटर्स हैं, बट आप ये ध्यान रखें कि जो सरकार द्वारा काउंटर बनाए गए हैं सिर्फ वहीं फ़ोन जमा कराएं। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ने के बाद दोबारा बनाया गया, और हर बार दोबारा बनाने के बाद उसकी सुंदरता उतनी ज़्यादा बढ़ती गई। सोमनाथ मंदिर के अंदर एक लाइट शो होता है जो कि सिर्फ शाम को 6:30 के बाद ही होता है। उसकी टिकट्स आपको अंदर से ही मिलेंगी। एडल्ट के लिए वो 30 रुपये है और बच्चों के लिए सिर्फ 10 रुपये। ये सोमनाथ का पुराना मंदिर है। अगर आप मेन सोमनाथ मंदिर में जाएंगे उसके बाद बाहर आके सोमनाथ के इस पुराने मंदिर में आके ज़रूर दर्शन कीजिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखना, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना। ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।